नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल धीमान राजेश धीमान में। दोस्तों, आज हम इंटीग्रेशन का एक शॉर्टकट सीखेंगे जब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, जिसको हम ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में चेंज करते थे। लेकिन हम शॉर्टकट में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, एक फॉर्मूला देखेंगे। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो ऐसे है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट तो हमें आता है, वो होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, मतलब एक्स के साथ जो टर्म है उसका स्क्वेयर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर के साथ जो टर्म है इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तभी हम आज के शॉर्टकट को यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। एक बार फिर से सुन लेना है, ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। लेकिन हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, नेगेटिव साइन को नहीं। नेगेटिव साइन होना चाहिए, उसके बाद हमें साइन से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, वो नेगेटिव होना चाहिए। देखते हैं नेगेटिव है कि नहीं। बी की वैल्यू यहाँ पर -5 है, -4 इंटू ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू -7। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ से 25 और यहाँ से आ जाएगा +84 और वो हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। इसलिए ये फॉर्मूला इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए नहीं लग सकता। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में माइनस की जगह +7 करें, फिर चेक करेंगे, तब क्या आएगा, ये 3x² - 7 में यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ से जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25 - 84 और ये आ जाएगा माइनस में, -59। इस केस में, इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूले में आंसर कैसे निकालेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 ओवर, ये जो हमारे पास आया है, अब माइनस को हम निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ 59 आएगा, 59। लेकिन इसका स्क्वायर रूट लिखना है, इंटू टेंजेंट इनवर्स और इसकी डेरिवेटिव लिखनी है। ये जो डिनोमिनेटर है इसकी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आएगी 6x - 5 और डिनोमिनेटर में यहीं पर हमने फिर वैसे ही जो यहाँ पर लिखा है वही चीज़ लिख देनी है, +c, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वेयर 6² -4 इंटू ए इंटू सी 5 × 5, तो ये आ जाएगा 36 - 100 और ये आ जाएगा -64। तो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 ओवर, हमने डिस्क्रिमिनेंट में से नेगेटिव को रिजेक्ट कर देना है तो हमारे पास सिर्फ 64 आएगा और 64 का रूट इंटू टेंजेंट इनवर्स और डिनोमिनेटर में फिर से रूट 64 का और यहाँ पर इसकी डेरिवेटिव, तो यह आ जाएगा 2 × 5 = 10x + 6 + c और ये आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड ये फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला कैसे आएगा। सबसे पहले हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा वो नेगेटिव होना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 ओवर डिस्क्रिमिनेंट का मोड ले लेंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी इसकी, इनटू टेंजेंट इनवर्स, इसकी डेरिवेटिव 2ax + b ओवर, और इसका रूट ले लेंगे प्लस सी। तो ये फॉर्मूला है हमारा। आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसके साथ जल्दी से। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन, इनको जल्दी से करते हैं। सबसे पहले हमें पहले क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिमिनेंट लिखना है, तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा पहले क्वेश्चन में -23, हमें सिर्फ 23 कंसीडर करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 ओवर √23 टेंजेंट इनवर्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 23√, और इन द न्यूमिरेटर इसकी डेरिवेटिव वो आएगी 3 + 8x + c। सिमिलरली यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारे पास 9 - 16√3, तो आंसर हो जाएगा 2 ओवर जो डिस्क्रिमिनेंट हमने लिखा था, इसको हमें माइनस खत्म करना है क्योंकि ये तो नेगेटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव कैसे आएगा, तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, फिर टेंजेंट इनवर्स, इसकी डेरिवेटिव आ जाएगी 2√3x - 3 ओवर, और जो यहाँ पर लिखा है अंडर रूट के अंदर वही आ जाएगा 16√3 - 9 + c। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारे पास -3, इस केस में डिस्क्रिमिनेंट -3 होगा, तो आंसर क्या लिखेंगे, जल्दी से हम आंसर लिख देंगे 2 ओवर √3 टेंजेंट इनवर्स, इसकी डेरिवेटिव 2x - 1 ओवर √3 + c। सिमिलरली यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 ओवर डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर भी है -23, हमें प्लस करना है टेंजेंट इनवर्स, और इसकी डेरिवेटिव आ जाएगी -3 - 8x/√+c। तो ये था एक शॉर्टकट इंटीग्रेशन के लिए जिसमें हम टेंजेंट इनवर्स आंसर निकालते थे a² + x² जब डिनोमिनेटर में होता था बिना अंडर रूट के। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। धन्यवाद।